25 जुलाई रात को संगीन स्थिति में घर से लापता हुए खुर्जा निवासी अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी का शव शुक्रवार रात पुलिस ने मृतक के दोस्त विक्की के गांधी रोड स्थित मार्बल के गोदाम से बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि अधिवक्ता की हत्या लाखों के लेन देन में हुई है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का बेस्ट फ्रेंड विक्की ही है। सबसे करीबी दोस्त निकला अधिवक्ता का कातिल। पहले की दोस्त की हत्या, फिर शव को गोदाम में ही गाड़ दिया। नोटों के लालच में भुलाई सालों पुरानी यारी। 8 दिन बाद हो सका लापता हुए अधिवक्ता की हत्या का खुलासा। ये तस्वीर खुर्जा निवासी उस अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की है जिसे उसके सबसे करीबी या यूं कहें कि बेस्ट फ्रेंड ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि आरोपी पर मृतक का करीब 70 लाख रुपए का कर्ज था और जिसको लेकर आरोपी की नियत में खोट आ गया था। दरअसल 25 जुलाई की रात मृतक अधिवक्ता अपने दोस्त विवेक उर्फ विक्की के गोदाम पर दोस्त के साथ डिनर करने गए थे, मगर इसके बाद मृतक संगत परिस्थितियों में अचानक लापता हो गए। सुबह तक अधिवक्ता के वापस घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस में इसकी जानकारी दी। पुलिस ने परिजनों के साथ मृतक धर्मेंद्र की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घटना की अगली सुबह मृतक की बाइक पुलिस ने खबरा खानपुर मार्ग के जंगल से बरामद की। इसके बाद कार्यवाही तेज हो गई और पुलिस कई दिन तक डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से मृतक की आसपास के जंगल में तलाश करती रही। यहां तक कि घटना के बाद मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने भी खुद बुलंदशहर पहुंचकर घटना का मुआयना किया था। वहीं इसी दौरान आरोपी विक्की भी मृतक की तलाश में पुलिस की मदद करने का ढोंग करता रहा था और उस वक्त भी किसी को विक्की पर जरा भी शक नहीं था क्योंकि उस वक्त किसी को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि पैसे का लालच विक्की को इतना अंधा कर सकता है कि वे धर्मे से 2 दशक की दोस्ती भुलाकर हत्याकांड जैसे खौफनाक घटना को अंजाम दे डाले। मेरे बड़े भाई थे, बिल्कुल सारे भाई मेरे बड़े, उनके कुछ नहीं हुआ। मेरे पास वहाँ से आए प्लांट में, विक्की भाई का जा रहा हूँ दावत खाने, सब्जी बनी आलू पनीर की। वहाँ से पहले इनको यहाँ मतलब क्या मारा क्या नहीं मारा, उनका पहले अपहरण करा गया। अपहरण करने के बाद उनको यहाँ मतलब मार के इनकी दुकान गोदाम के अंदर कुआ है छोटा सा, बाहर तेरे फुट उसमें दबा के अंदर जो भी उसमें आग लगाई है क्या करा है उन्होंने, इनको यहीं ही बॉडी जली हुई जली हुई मिली, बॉडी जली मिली है। कितने दिन हो गए भाई को गायब? भाई साहब 25 तारीख की रात को गायब हुआ है, 8:30 बजे, 8:30 बजे सवा 7 बजे मेरे पास दुकान पे आया है। अच्छा, इसके पास मुझसे कह के आया है। अब आरोपी कहाँ है? आरोपी फिलहाल पुलिस की उसमें है। अच्छा, जो तीन चार दिन से था और वो ना हट रहा था। आज मैंने उसको पैर छुए, मेरे भैया तेरे मेरे पास मैं तेरा भाई मेरे तेरे पास है तो तू मुझसे जो भी पैसे चाहिए 10-20-50 हजार ले ले, जितना इनका हिसाब है वो मैं तुझे छोड़ दूंगा और मुझसे पैसे ले ले, मैं भीख मांग के लाऊं। क्या लगता है क्यों मर्डर किया गया उनका? मेरे भाई की मुझसे इसने पूछी कोई डायरी फारी मिली है, मैंने हाँ भाई डायरी मिली है। जब इसने मिल गई मैंने झूठे पान ना मिली डायरी फारी कुछ मिली है तो ये अपना वहां से मैं चोर लेके डायरी को तो 2 बजे मेरे पास से गुटखा खाकर रजनीगंधा हिलाता हुआ वहां चला आया। जब मैं घर पे पहुंचा मैंने डायरी देखी अपनी, मुझे डायरी हिसाब जोड़ा था, इसमें हिसाब बढ़ाई 80 लाख रुपए का। अच्छा, भाई हाँ। से 81 लाख रुपए ले रखे थे? भाई से 81 लाख रुपए, भाई के बाप की थोड़ी, भैया मैं सीधी कह रहा हूँ। हाँ। हमारा ओरिएंटल बैंक से लोन था 18.5 लाख रुपए एक लोन है। हाँ। और 10 लाख के 2 लोन थे, बाकी वो पैसे दिए भैया इसको अपने इसकी समझ लो, और 2 लाख वहाँ से 4 लाख सपोर्ट उठा के हमारे एडवोकेट उनसे उठाए, हमारे बड़े मंदिर पास 9 लाख पैसे के लिए मर्डर, पैसे के लिए मर्डर करा भाई साहब। आज से पहले मर्डर क्यों नहीं हुआ? भाई ने इसने प्लॉट बेचा था अपना, भैया ने बिकवाया 12 लाख रुपए का अभी इसने, तो इसका मंडे में देना होना था। जिस पार्टी ने लिया उस पार्टी पर 8 लाख पहुंच गए इसके। अच्छा। 4 लाख इसको मंडे में देने थे और बेनामा होना था। इसने भैया से बोल दिया हमने प्लॉट लिया था, तुम प्लॉट लोगे तुम्हें 15 लाख रुपए में 27-28 तारीख को दे दूंगा। कई दिन की तलाश में जब मृतक का कोई सुराग नहीं लगा
तो बुलंदशहर एसएसपी की ओर से गायब अधिवक्ता की तलाश में एक दर्जन से अधिक टीमों को लगाया गया। सर्विलांस की भी अलग अलग तीन टीमें बनाई गईं, जबकि एसओजी की टीम को भी तीन भागों में बांटा गया। इस दौरान पुलिस की टीम मृतक अधिवक्ता के मोबाइल लोकेशन से लेकर एसडीआर और एसडीआर से लेकर शहर में लगे हर एक सीसीटीवी को खंगाल रही थी, जबकि मृतक अधिवक्ता का कातिल दोस्त पुलिस के साथ साथ घूम रहा था। मगर पुलिस की जांच में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मृतक के परिजनों को मिली मृतक की डायरी में आरोपी दोस्त विक्की पर करीब 70 लाख रुपए का कर्ज होने का लिखा पाया गया, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पुलिस का दावा है कि शातिर आरोपी शुरुआती पूछताछ में पुलिस को गुमराह करता रहा, मगर कातिल उस पर कानून के फंदे में फंस गया जब पुलिस अधिकारियों ने आरोपी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की बात कही। आरोपी के लाई डिटेक्टर जांच करने से इंकार करने पर पुलिस का शक और गहरा गया, जबकि आरोपी के गोदाम की तलाशी में मृतक की लाश आरोपी के गोदाम में ही गड़ी मिली। बिक्की जो लगातार इन्हीं लोगों के साथ तलाश में पुलिस के साथ साथ चल रहा था, उसका यह कहना था कि वो जैसे ही पहुंचे हैं थोड़ी देर बाद एक फोन आया है और हलो हलो कहते हुए बाहर निकले और बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन जब 2 घंटे तक नहीं आए तो बिक्की का कहना है कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया और हम अपने घर चले गए अपने दोनों नौकरों के साथ। बिक्की का कहना था कि वहां पर केवल 3 लोग थे, बिक्की उसके दोनों नौकर और ये धर्मेंद्र चौधरी जो वहां केवल 5 मिनट के लिए आए। जितने सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में थे सबका 24 घंटे तक का परीक्षण किया गया, इनकी मोटरसाइकिल किसी भी कैमरे में जाती हुई नहीं दिखाई थी और आईडीपीआर सलाईडी तमाम तरीकों से लगातार अन्वेषण करने के बाद हम लोगों ने पाया कि बिक्की की लोकेशन दुकान से उसके घर तक थी, जो टाइमिंग उसके द्वारा बताई जा रही थी बिल्कुल सही थी और इनका भी लोकेशन जिस रास्ते से यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जहाँ मोटरसाइकिल मिली थी जाना बताया जा रहा था वो भी वेरीफाइड था, लेकिन कहीं सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पा रही। फाइनली घर वालों को बिक्की के ऊपर 27 तारीख की शाम को रात में पुष्टक हुआ जब इनकी अलमारी से कोई ऐसी डायरी मिली जिसमें लेन देन के लगभग 70-80 लाख रुपए के हिसाब मिले। तब घर वालों ने तब इस बात को हम लोगों से शेयर किया कि बिक्की जो है पैसे ब्याज से 4% ब्याज पर बिक्की को पैसे धर्मेंद्र चौधरी देते थे और उस डायरी से पता चला कि केवल 1-1 महीने का ब्याज जमा था, ब्याज करीब 10 लाख के आसपास हो गया था। फिर घर वालों को भी शक हुआ बिक्की की नियत पर कि संभव है कि बिक्की ने ही पैसों की लालच में कोई अपराध साबित कराया। हम लोग भी बिक्की को शक के दायरे में लेकर उसका एनालिसिस किए, उसकी भी टेक्निकल एनालिसिस से किसी भी रूप में नहीं पाया जा रहा था कि उसका इस घटना से कोई संबंध हो सकता था, लेकिन बिक्की ही वो व्यक्ति था जिसके दुकान पर इनका जाना प्रमाणित था क्योंकि जाने के 1 मिनट पहले का एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज था जिसमें धर्मेंद्र चौधरी वहां जाते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन वापसी के कोई चिन्ह नहीं मिले थे। फिर हम लोगों ने बिक्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का निर्णय लिया, दिल्ली की सुख लैब में उनको भेज करके वो तैयार भी हो गए भेजा गया और वहाँ भेजने के बाद वो पलट गए और उन्होंने अपना लाइफ डिटेक्टर टेस्ट कराने में अपनी एफसीसी क्लियर की, कहा कि मुझे शुगर है शुगर है। इसके बाद हम लोगों का संदेह बढ़ गया उनके ऊपर और फिर आज रात में हमने एक सर्च अभियान उनके गोदाम का जहाँ खाना बना था जहाँ खाना खाने के लिए गए थे किया गया। लगातार 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसी गोदाम के अंदर एक गड्ढा था जो सीमेंटेड था, उस गड्ढे से अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी, उस गड्ढे को खुदवाया गया, उसमें टाइल्स पड़ी हुई थी, टाइल्स जैसे जैसे हटती गई दुर्गंध बढ़ती गई, विश्वास हो गया कि यहाँ पे शव है। वीडियोग्राफी कराते हुए फिर यूनिट की मदद से शव को वहाँ से निकाला गया और
किस तरह से अभी देखिए तीनों जो हैं संदिग्ध दोनों नौकर और व्यक्ति पुलिस के हिरासत में है और अब उनसे पूछताछ करके इसको हम अमली जामा साक्ष के रूप में देखिए उनकी इस प्रकरण में कोई भूमिका नहीं है। अगर किसी का घर थाने के पीछे है और घर के अंदर कोई क्राइम करता है तो थाना इन्वॉल्व नहीं माना जा सकता है, ठीक वही स्थिति है। क्योंकि ऐसा नहीं था, इनकी उस व्यक्ति के साथ कोई रंजिश नहीं थी बल्कि घनिष्ठ घरेलू संबंध थे और इन्होंने 70 लाख से अधिक रुपए उसके साथ लगा रखे थे, उसके यहाँ भोजन करने गए थे। अब तो कहीं ना कहीं घर किसी ना किसी का होता ही है, तो इसलिए उस चीज का इससे कोई संबंध नहीं। फिलहाल पुलिस ने मृतक अधिवक्ता के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और पुलिस ने मृतक के आरोपी दोस्त विक्की के साथ उसके दो नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।